आज मेरे हाथ में दो स्मार्टफोन है जो कि दोनों ही रियलमी के तरफ से हैं। दोनों ही काफी अच्छा खासा टक्कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि एक तो भाई आपका 6-7 महीना पुराना देखने को मिलता है, एक जो है आपका रिसेंटली 2-3 दिन पहले लॉन्च किया है लेकिन काफी अच्छा खासा टक्कर दे रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये है रियलमी GT मास्टर एडिशन जो कि काफी ज्यादा हाइप में है अभी फिलहाल, एंड बहुत सुंदर सा फोन है, मैं पहले बता देता हूँ। एंड मेरे पास दूसरे हाथ में है रियलमी X7 प्रो जो कि ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन था कुछ महीना पहले, एंड काफी अच्छे खासे स्मार्टफोन्स को टक्कर दे रहे थे। दोनों ही 5G स्मार्टफोन्स है, दोनों ही रियलमी के तरफ से आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं दोनों ही स्पेक्स को कंपेयर करूंगा, प्लस लास्ट में मैं आपको पबजी गेम प्ले भी करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों स्मार्टफोन्स में से अगर अभी आपको लेना है तो आप किसके साथ जाओगे और मुझे अगर लेना हो तो मैं कौन सा पिक करूंगा। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेक अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। भाई फटाफट स्पेक्स कंपेयर कर लेते हैं, उससे पहले मैं प्राइसिंग बता दूं। यहां पे जो GT वाला है ये वेरिएंट मेरे पास है 8GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज, ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है एंड इसका जो प्राइस आपको निकल के आता है वो है 28,000 रुपीज। और यही मैं अगर रियलमी X7 प्रो 5G का बात करूं तो ये जब लॉन्च हुआ था 6-7 महीना पहले तब इसका प्राइस था 30,000 रुपीज, लेकिन अभी के टाइम में आपको ये 27,000 26,000 में आराम से आपको Amazon Flipkart में अवेलेबल देखने को मिलता है। और ये जो वेरिएंट है ये है 128GB विद 8GB रैम, तो दोनों ही रैम एंड स्टोरेज के मामले में सेम है। प्राइसिंग में 1,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले का बात करूं तो दोनों ही स्मार्टफोन आपका फुल HD सुपर AMOLED के साथ में आता है। डिफरेंस क्या है, साइज का थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जो GT वाला मॉडल ये हल्का सा छोटा है 6.43 इंचेस के साथ में आता है, जो रियलमी का X7 प्रो है ये आपका 6.55 इंचेस का आता है। तो और दोनों ही बेजललेस देखने को मिलता है, दोनों में ही कैमरा बहुत छोटा है। एक चीज मैं बता दूं, रियलमी X7 प्रो में आपको जो चीन है वो कम देखने को मिलता है, थोड़ा ज्यादा बेजललेस लगता है। इसमें आपको चीन थोड़ा सा आपको लगता है स्लाइटली थोड़ा ज्यादा है। दोनों ही स्मार्टफोन आपका 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और आपका GT वाला में 360 टच सैम्पलिंग रेट है। और यहाँ पे आपको जो आपका रियलमी X7 प्रो है इसमें आपको 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में ब्राइटनेस काफी कमाल का है, आई थिंक सो आपका GT वाला में 1000 nits का ब्राइटनेस है, रियलमी X7 प्रो में आपको 1200 nits का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, या फिर दोनों में 1000 ही होगा। और मैं सच बताऊं तो भाई दोनों का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा प्यारा है। आपको जब भी आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करोगे तो आपको मज़ा आएगा, मूवी वॉच करोगे, कुछ भी वॉच करोगे, क्योंकि सुपर AMOLED डिस्प्ले का बात ही अलग होता है। लेकिन मैं अगर बताऊं कौन सा विनर बनता है तो ऑब्वियसली रियलमी X7 प्रो विनर बनता है, क्योंकि इसमें आपको 1200 nits का ब्राइटनेस मिलता है इस वजह से ब्राइटनेस के मामले में। और बाकी तो भाई दोनों में स्मार्टफोन में सेम ही आपको डिस्प्ले मिलेगा। और हाँ, इसका स्क्रीन साइज भी आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है, हल्का सा स्लाइटली बड़ा है। अगर चिपसेट का बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको टोटली डिफरेंट प्रोसेसर के साथ में आता है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ GT के बारे में, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का न्यू 5G प्रोसेसर आता है 778G, 5G सपोर्ट करता है दोनों ही सिम में। इसमें आपको 8 बैंड टोटल देखने को मिलते हैं। अगर X7 प्रो का बात करूं तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 1000 प्रोसेसर के साथ में आता है, जो कि भाई 6 महीना पहले बहुत एकदम नया ताज़ा स्मार्टफोन था, प्रोसेसर था, और ये भी 5G सपोर्ट करता है। इसमें भी LPDDR4 का 8GB रैम आता है। Snapdragon 778G आपका 6 नैनोमीटर का चिपसेट के साथ में आता है, एंड ये MediaTek Dimensity 1000 जो है वो आपका 7 नैनोमीटर का चिपसेट में आता है। अगर मैं अंतुतु स्कोर वगैरह मैं बता देता हूँ अंतुतु स्कोर आपको क्या निकाल के दे रहा है। ऑन स्क्रीन में देख सकते हो GT वाला 5,37,000 के अबव देखने को मिलता है। यहाँ पे अंतुतु स्कोर अगर मैं रियलमी X7 प्रो का बात करूँ तो 5,42,000 के अबव देखने को मिलता है। यहाँ पे अंतुतु स्कोर के मामले में जो क्लियर विनर है वो अपना रियलमी बनता है, और रियलमी X7 प्रो बनता है, दोनों ही रियलमी है। एंड यहाँ पे अगर बेंचमार्क का बात करूँ तो बेंचमार्क आपका GT में 786 देखने को मिलता है सिंगल कोर में, मल्टी कोर में 2768 मिलता है। और अगर रियलमी X7 प्रो का बात करूँ तो सिंगल कोर में 704 देखने को मिलता है, मल्टी कोर में 2660 देखने को मिलता है। तो बेंचमार्क के मामले में भाई यहाँ पे अब GT विन करता है। GT वाला में रेटिंग स्पीड है 868 Mbps एंड राइडिंग स्पीड आपका 358 Mbps है। एंड यहाँ पे रियलमी X7 प्रो का है रीडिंग स्पीड है 685 Mbps एंड राइडिंग स्पीड है आपका 343 Mbps। तो यहाँ पे क्लियर विनर जो बनता है रीडिंग राइडिंग स्पीड के मामले में इंटरनल स्टोरेज का वो है
जी टी, बिकॉज इसमें आपको यू एफ एस 3.1 देखने को मिलता है एंड इसमें आपको 2.2 देखने को मिलता है। अगर कैमरा का बात करूँ तो जी टी वाला में आपका ट्रिपल कैमरा सेटअप है, आपका X7 प्रो में यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, दोनों में ही 64 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। लेकिन जी टी वाला में मेंशन नहीं किया किसका सेंसर यूज़ किया है, सैमसंग किया है सोनी का किया है, आई थिंक सो सैमसंग ने किया है। अगर सोनी का करता तो भाई हर जगह ब्रांडिंग करते था, हमने सोनी का सेंसर यूज़ किया, हमारा कैमरा बेस्ट है। तो यहाँ पे जब रियलमी जब लॉन्च हुआ था X7 Pro तो बहुत अच्छा खासा ब्रांडिंग किया था कि सोनी का सेंसर है मेरे कैमरा में, तो इसमें आपको सोनी का सेंसर के साथ में आता है। दोनों ही 64 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड यहाँ पे वाइड एंगल देखने को मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है और बाकी 2-2 मेगापिक्सल का है। इसमें 2 मेगापिक्सल आपका माइक्रो शॉट्स के लिए, इसमें आपको 2-2 मेगापिक्सल तक डेप्थ सेंसिंग के लिए, एक माइक्रो शॉट्स के लिए है। रियलमी X7 Pro में शूट हो रहा है, 4K 60 FPS इसमें सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हो किस तरीके का रिकॉर्डिंग निकाल के देता है एंड साउंड भी आपको इनबिल्ड है। काफ़ी मौसम ख़राब है भाई, ये 1X पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रियलमी GT मास्टर एडिशन, ये वाला भी आपका 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख सकते हो कैसा निकाल के दे रहा है। अगर फ्रंट कैमरा का बात करूँ तो दोनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल मिलता है 2.5 अपर्चर के साथ में, दोनों में ही डिसेंट डिसेंट फोटोज आ जाता है, कुछ सैंपल फोटोज आप देख सकते हो एंड वीडियोज भी देख सकते हो। दोनों फोन साइड बाय साइड में कंपेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे ये वाला रियलमी GT मास्टर एडिशन है, ये वाला रियलमी X7 Pro Max देखने को मिलता है। और मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को रियलमी GT का फ्रंट कैमरा ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये अजीब से ही फिडेट हो गया या फिर जूम हो गया, देख सकते हो यहाँ पे ये है और यहाँ पे देख सकते हो ये स्मार्टफोन है, तो इस तरीके से साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो है कि भाई रियलमी GT ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ्रंट कैमरा के बारे में, जबकि जब भी दोनों में ही 32 मेगापिक्सल मिलता है 2.5 अपर्चर के साथ में आता है। अगर बैटरी कैपेसिटी का बात करूँ तो GT वाला में आपको 4300 बैटरी MAH देखने को मिलता है एंड इंटरनल में मतलब कि इनबॉक्स में आपको 65 वाट का चार्जर मिलता है, 33 मिनट में फुल चार्ज कर जाता है स्मार्टफोन। एंड यहाँ पे X7 Pro में आपको 4500 मिली आवर आता है, 200 मिली आवर आपका ज़्यादा है, इसमें भी आपको 65 वाट का चार्जर मिलता है, ये 35 मिनट में आपका स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन आपका 5G सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट करता है, वाईफाई 6 सपोर्ट करता है, NFC सपोर्ट करता है। दोनों ही स्मार्टफोन आपका वेपर कूलिंग चैम्बर सिस्टम के साथ में आता है, अगर आप गेम प्ले करते हो तो आपका जो स्मार्टफोन है गर्म हो जाता है तो बहुत तुरंत से आपको एकदम इंस्टेंट ठंडा करके दे देगा। अब बात कर लेते हैं भाई गेमिंग को लेके, गेमिंग कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देगा, तो यहाँ पे आप फटाफट एक गेम प्ले देख लो दोनों स्मार्टफोन पे। मेरे दोनों ही फोन में मैं क्या करूँगा, ब्राइटनेस एक तो मैं फुल रखने वाला हूँ, इसके अलावा मैं बैकग्राउंड जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो भी ऑन रहेगा एंड जो साउंड है वो भी मैं फुल रखने वाला हूँ। फटाफट मैं ग्राफिक्स एंड सेटिंग्स के बारे में बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला बात जायरोस्कोप तो देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने ऑलवेज ऑन करके रखा हुआ है, कैसा एक्सपीरियंस होगा जायरोस्कोप का वो भी मैं आपको बताऊंगा। ग्राफिक्स में जाऊँ तो यहाँ पे स्मूथ में एक्सट्रीम में गेम प्ले करूंगा जहाँ पे आपको 60 FPS निकाल के देगा एंड सेम सेटिंग्स इस वाले में भी मैं गेम प्ले करूंगा। तो ये भाई हो गया सब कुछ बराबर, अब फटाफट गेम प्ले हम लोग स्टार्ट कर लेते एक। अबे यार अभी तक तो भाई देख सकते हैं FPS 51 चल रहा है नॉर्मली, 50-51 ऐसे मतलब 60 FPS मतलब कंटिन्यू 60 FPS मेंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको लमसम आस्ते मतलब आगे पीछे मिल जाना है।
सो गाइस यहाँ पे 32 मिनट हो चुका है टोटल पबजी गेम प्ले करते हुए। सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है मोबाइल का। नॉर्मल टेम्परेचर रूम का 29 है एंड जो फोन का टेम्परेचर है ये 44 आपको हाई स्क्रीन के तरफ में देखने को मिलता है। जब हम लोग ने गेम प्ले स्टार्ट किया तब जो फोन था वो 80% चार्ज था और आफ्टर 30 मिनट में जो बैटरी है वो, तो यहाँ पे जो बैटरी है ये 65% हो गया है। तो यहाँ पे लगभग आधा घंटा में बोल सकते हो 60 FPS का गेमिंग निकाल के दिया और यहाँ पे 15% आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है जो कि आई थिंक सो अच्छा है, नॉट बैड। और यहाँ बैकग्राउंड बाय द स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद द फुल ब्राइटनेस भी मैंने करके रखा हुआ था, साउंड भी फुल था। तो अब भाई टर्न आता है अपना रियलमी X7 Pro, इसमें देखते हैं भाई कैसा पबजी निकाल के देता है। तो अपना रियलमी X7 तो एकदम ठंडा ठंडा सा स्मार्टफोन है, 29 का टेम्परेचर है फ़ोन का, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और फटाफट फ़ोन को भाई ऑन करते हैं और यहाँ पे बाय द वे अभी देख सकते हो 79 हो गया ऐसे ही रखा रखा। X7 Pro में सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे भाई चलते हैं सेटिंग्स की तरफ में। यहाँ पे जायरोस्कोप देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने ऑलवेज ऑन यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर ग्राफिक्स का बात करूँ तो आप स्मूथ में एक्सट्रीम में गेम प्ले कर पाओगे जो कि सही चीज़ है, और HDR में आपको अल्ट्रा गेम प्ले मिलता है। बोला ना नहीं गया, मिस ही गया। सो गाइस यहाँ पे 1 hour 7 minute हो चुका है पबजी गेम प्ले करते हुए ऑन रियलमी X7 Pro में। फटाफट भाई बात कर लेते हैं टेम्परेचर को लेके, बिकॉज काफ़ी फ्रेंड्स लोग इंतज़ार कर रहे हैं गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर है 29 का है और जो फ़ोन का टेम्परेचर है वो आपको हाईएस्ट 43 देखने को मिलता है। सो यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 55% पे आ गया, तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हुआ, लगभग 24% ड्रेन हुआ जब हम लोग ने पबजी गेम प्ले में स्टार्ट किया था। तब यहाँ पे आपको 79 देखने को मिल रहा था बैटरी और अभी 55 हो गया है। तो बैटरी ड्रेन होने का थोड़ा ज़्यादा ये है क्योंकि इसमें आपको 1200 निट्स का ब्राइटनेस मिलता, हो सकता है इसके वजह से आपका बैटरी ड्रेन ज़्यादा देखने को मिला। सो आ जाते हैं अब मेन पॉइंट में, दोनों में से स्मार्टफोन से अगर आपको अभी परचेज करना है तो आप कौन सा करोगे, तो आपको वैल्यू फॉर मनी रहेगा, आपका पैसा एकदम सही जगह जाने वाला है। ये वाला आप ले लो, ये आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, प्लस अभी ये न्यूली लॉन्च है तो आपको दो साल तो अपडेट मिल जाएगा। मतलब एंड्रॉयड 11 है, आपको 11 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पता नहीं भाई ये शायद और एक साल डेढ़ साल और इसमें अपडेट्स आने वाले हैं। तो ये भी होता है स्मार्टफोन्स लेने से पहले कि अपडेट्स आपको कब तक मिल रहे हैं, जब तक अपडेट्स मिलेगा तब तक फ़ोन अच्छा चलेगा, जैसे अपडेट्स बंद होंगे वैसे कुछ महीने के बाद आपको फ़ोन्स में कुछ तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। अगर आप दोनों ही स्मार्टफोन में कन्फ्यूज़ होंगे कि भाई कौन सा स्मार्टफोन आप परचेस करोगे, और भाई पैसा लगा ही रहे हो तो थोड़ा सा तो होता है ना, रिसर्च कर ले भाई कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 25,000 में मिलता है तो ये उठा लो, और भाई ये 28,000 में मिलता है तो ये उठा लो, बेस्ट डील रहेगा। और इसमें कोई कार्ड ऑफर मिल गया तो और अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो कर दो छोटा सा लाइक, बिकॉज ये सारे स्मार्टफोन्स हम लोग खुद के पैसे से परचेस करके आपके सामने एकदम ऑनेस्ट रिव्यू लेके आते हैं। इसी बात पे भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है जाके चेकआउट करो। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।